हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि कोई भी आपका डाउट ना रहे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। और आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी फ्यूचर में वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना होगा। VFS ग्लोबल की वेबसाइट जब खुल जाती है तो आपको लेफ़्ट साइड में जो है यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है और दूसरी साइड आपको फ्रांस। नेक्स्ट आपको टेक मी टू दी वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है बुक एन अपॉइंटमेंट। बुक नाउ पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर जाना है आपको। जो सब ऑप्शन है यू डू नॉट नीड असिस्टेंस, इस पर क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप इस क्रिएट एन अकाउंट में जाकर डिटेल्स फिल कीजिए और एक अकाउंट बना लीजिए। और एक मेल जाएगा आपकी मेल आईडी पर जो आपने यहाँ प्रोवाइड किया है, उसको आपको एक्टिव करना होगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड बनाइए और फिर आप लॉगिन कर लीजिए। तो मैं ऑलरेडी वो काम कर चुका हूँ तो मैं अब सीधा लॉगिन करता हूँ। जब आप एक बार लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पर जाना है। उसके बाद आपको एक्सेस दी वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आप डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप करंट नेशनलिटी में इंडियन चूज़ कर लीजिए और यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में आपको इंडिया चूज़ करना है। उसके बाद सिटी ऑफ सबमिशन, जो भी आप सिटी से आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन वो चूज़ करना है। मैं हैदराबाद से सबमिट करूँगा तो मैं हैदराबाद चूज़ कर लेता हूँ रफली। उसके बाद हम शॉर्ट स्टे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट स्टे लेस देन इज इक्वल टू 90 डेज़ को सेलेक्ट कीजिए। मेन डेस्टिनेशन फ्रांस के अंदर आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका होटल बुकिंग है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूछा जाता है तो यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो डेट ऑफ इशू है पासपोर्ट का वो यहाँ मेंशन कीजिए, साथ ही एक्सपायरी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर योर प्लान्स के अंदर आपका जो भी पर्पस है ट्रैवल का वो मेंशन कीजिए। आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं बिज़नेस मेंशन कीजिए, अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म मेंशन कीजिए। और अदर कोई पर्पस है स्टडी, ऑफिशियल विजिट, मेडिकल रीज़न, फैमिली और प्राइवेट विजिट, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर टूरिज्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद आप सेव और वेरीफाई पर आप क्लिक कीजिए। जब आप वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हैं और सारे डिटेल्स आप वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर आपसे वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है, आप उस पासपोर्ट नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको येस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना ही है। तो यहाँ पर सेक्स में आपको जेंडर है वो आप प्रोवाइड कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस मेंशन कर दीजिए, सिंगल मैरिड जो भी है। उसके बाद अपना लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद अगर आपका प्रीवियस कोई लास्ट नेम रहा है तो वो मेंशन कीजिए। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम मेंशन कीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है इस फॉर्मेट में, डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना है, फिर आपको कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ बर्थ जो कंट्री है आपको वो मेंशन करना है, इंडिया आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपको नेशनल आइडेंटिटी नंबर में अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ये कॉलम आपको छोड़ सकते हैं क्योंकि नेशनलिटी अगर आपकी दूसरी है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे, अदरवाइज़ रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कीजिए, पोस्टल कोड डालिए, सिटी मेंशन कीजिए। उसके बाद आप कंट्री मेंशन कीजिए, यहाँ पर टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कीजिए और मेल आईडी आपको प्रोवाइड कराना होगा। और ये ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़िए और येस या नो कीजिए। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन सभी नो कर दिए। नेक्स्ट आपको इसके बाद आपसे योर जॉब सेक्शन में आपसे करंट जॉब के बारे में पूछा जाता है, जो भी आपकी जॉब है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो भी सभी डिटेल्स मांगी गई हैं वो आप फिल कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर सेक्टर चूज़ की दिए, कंपनी एग्जीक्यूटिव मैंने ले लिया है तो यहाँ पर मैं सेक्टर में आप देख सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। उसके बाद अपने कंपनी का एड्रेस फिल कीजिए, पोस्टल कोड डालिए, सिटी और कंट्री यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, टेलीफोन नंबर डालिए, मेल आईडी आपको मेंशन करना है जो कंपनी की है। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है पहला सवाल कि आपको 5 सालों में आपको कभी वीज़ा मिला है,
अगर मिला है तो आपको यस कलेक्ट करना है और उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराना है कि वीज़ा कब से कब तक आपको मिला था। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे, तो आपको यस सेलेक्ट करना है और आपको फिंगरप्रिंट्स की जो डेट थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और बायोमेट्रिक नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आपका बायोमेट्रिक यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अभी के लिए मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नो पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ पर स्टे करेंगे। तो यहाँ पर आपको शेंगन एरिया में जब आप अराइव करेंगे आपको ये तो यहाँ पर डेट मेंशन करनी है आपको। मैं यहाँ पर 19 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक ले लेते हैं। प्लान ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन नंबर ऑफ़ डेज, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ में आप वन एंट्री, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ में जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, आप सिंगल एंट्री चाहते हैं सिंगल एंट्री क्लिक कीजिए, मल्टीपल एंट्रीज चाहते हैं तो मल्टीपल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेज प्लान इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, अगर आपका कोई कमिंग ईयर में प्लान है कि आप 2 या 3 विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है योर प्लान्स ऑफ फॉर स्टेइंग, एज अ रिमाइंडर योर प्रोजेक्ट इज टूरिज्म एंड द मेन पर्पज़ फॉर द स्टे इज टूरिज्म प्राइवेट विजिट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टूरिज्म आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो योर कॉन्टैक्ट्स में आपको डिटेल्स मेंशन करनी है कि आप कहाँ पर स्टे करेंगे फ्रांस में। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ होटल, तो यहाँ पर हम होटल में स्टे करने जा रहे हैं तो मैंने होटल चूज़ कर लिया। उसके बाद होटल का नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, टेलीफोन नंबर, मेल एड्रेस, ये सब चूज़ कर देना है। उसके बाद पूछा जाता है फंडिंग ऑफ ट्रैवल कॉस्ट, फंडिंग मैं खुद अपनी कर रहा हूँ तो माई सेल्फ कर लीजिए, अगर कोई दूसरा गारंटर है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो माई सेल्फ में हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन इसको छोड़ दीजिए, क्रेडिट कार्ड, कैश, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप नेक्स्ट कर देते हैं उसके बाद आपके पास रिकैप का ऑप्शन आता है। रिकैप में आप डिटेल्स गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके पीडीएफ देख सकते हैं ताकि आप सारी डिटेल्स ठीक से देख सकें। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड करके ओपन करके आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है। और अगर आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो साथ में एडिट का ऑप्शन है, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का ऑप्शन है, आप कम्प्लीटली इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें कन्फर्म्ड हैं तो आप इस डिक्लेरेशन पर टिक कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप वेट कीजिए थोड़ा सा, वेट करने के बाद आपकी ये पेमेंट 80 यूरोस बता रहा है कि ये आपको पे करनी है वीज़ा सेक्शन के अंदर। इसके बाद आपको हैंड में जाके कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ये जो नंबर है ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी की हेल्प से आप अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, विदाउट दिस रेफरेंस नंबर आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। इसके बाद बाय चेकिंग दिस बॉक्स इस पर क्लिक कीजिए, आई सर्टिफाई। इसके बाद सबमिट दी वीज़ा सेंटर, इसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका पीडीएफ आ जाता है, सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो जाती है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।